नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, आईबी की तरफ से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रिप्लाई दिया है इनको, जो हम लोगों ने जैसे कंप्लेन कई सारे लोगों ने की थी, तो एक त्रिभुवन सिंह बिष्ट हैं ये, इनकी इनको ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये किया है पूरा। और जो हम लोगों ने सब चीज़ें उठाई थी, जैसे 15 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सील्ड पेपर नहीं दिया गया था। अब देखिए इनका रिप्लाई क्या आया है, इनका रिप्लाई ये आया है आईबी का कि एज़ पर आवर रिटन इंस्ट्रक्शन इन टू ऑल वेन्यूज़, सील्ड पैकेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर वेयर ओपेंड एट 9:58 आवर्स। मतलब साफ साफ इन्होंने लिखा है कि भैया जी, हर जगह पे सील्ड पेपर थे। तो आप ये बताइए, क्या सही बात, हर जगह पे सील्ड पेपर आप लोगों को मिले थे? दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने बोला है कि एट ईच एग्जाम सेंटर इन द प्रेजेंस ऑफ टू कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स ऑल्सो साइंड द रिक्विजिट सर्टिफिकेट। तो मतलब आप लोगों ने सबने देखा है, तो मतलब जो लोग ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं कि सील्ड नहीं थे, वो लोग झूठ बोल रहे हैं ना फिर तो, क्योंकि अब तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिप्लाई कर दिया है ये, और दो कैंडिडेट से साइन भी करा लिए थे। फिर ये लिखा है कि दीज पैकेट्स फर्दर कंटेन रूम वाइज क्वेश्चन पेपर इन टेम्पर प्रूफ सिक्योरिटी एनवलप्स। अब ये बताइए आप कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर झूठ बोल रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं? ये मतलब सील्ड पेपर थे कि नहीं थे? अगर थे तो किसी के पास कोई एविडेंस है, कुछ कोई प्रूफ है किसी के पास? दूसरी बात ये कि इसमें लिखा है कि विच वेयर इवेंचुअली ओपन्ड इन देयर द एग्जाम रूम्स एज सच एलिगेशन इज इनकरेक्ट। तो पहला वाला तो इन्होंने हटा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। फिर दूसरी बात है कि मोस्ट क्वेश्चंस बीइंग फ्रॉम वेबसाइट आर इनकरेक्ट। मतलब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ साफ बोल दिया कि ये लोग नहीं मानेंगे ऐसे। फाइनली रास्ता वही बचा है कि आप लोगों को मैंने बताया था, एक लेटर लिखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ये आईबी एग्ज़ाम ये मिसमैनेजमेंट पे लिखेंगे, आईबी एग्ज़ाम 2017 मिसमैनेजमेंट, और पूरी अपनी समस्याएं लिख के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो एड्रेस मैंने पिछली बार बताया था, पीआई, पूरा लेटर लिखिए और रजिस्ट्री में और स्पीड पोस्ट में करेंगे, तभी कुछ हो सकता है, वरना तो आईबी का रिजल्ट ही आने वाला है। अब देखिए, इस वीडियो को कुछ लोग गाली देंगे तो वो लोग देते रहें, लेकिन ये मुझे आपको ये दिखाना था कि आईबी का ये स्टेटस आया है। आकाश कुमार जी ने काफ़ी प्रयास किया, मैंने भी उनको काफ़ी सारे लोगों को लेटर भिजवाया था, लेकिन कई सारे लोगों ने शायद लेटर नहीं भेजा है। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, एक छोटा सा लेटर लिख के आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को भेज दीजिए, 25 रुपए की, 25 या 30 रुपए की आप रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजिए। एड्रेस आपको गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो आपको बताइएगा, मैं कमेंट में कर दूंगा। लेकिन ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कुछ करेगी नहीं, और ऐसा ही अगर चलता रहा, आप लोग खुद एक नहीं हुए तो फिर ऐसा ही होगा आपके साथ, कि आप लोगों को साफ साफ झूठा साबित कर दिया जाएगा ये।